हेलो गाइस, तो आज बिल्कुल आसान तरीके से घर ही के मक्खन से हम घी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं, हमने घर की मलाई को अच्छे से फेंट लिया था, तो ये मक्खन निकल आया है। और इसे अच्छे से पानी में इस तरीके से डीप करना है, ताकि बिल्कुल इस तरीके से इसके थिक्के मक्खन के निकल आए और बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। इस तरीके से निथार निथार के आपको पूरा मक्खन निकाल लेना है और इसे एक बर्तन में रख लेना है। बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बनता है। अब ये मक्खन निकल चुका है, तो गैस का फ्लेम मीडियम में हम चालू कर देंगे और इसे पकने देंगे। हल्के हल्के से मक्खन मेल्ट होने लगा है, ये पिघलने लगा है, तो इसे हम बिल्कुल पकने देंगे गर्म होने तक। और ये भैंस का हो चाहे गाय का हो, बिल्कुल एक ही तरीके से मक्खन निकलता है और झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे सारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और गर्म हो चुका है, तो इसे इस तरीके से चम्मच को हमको चलाते रहना है, ताकि जो भी फेस हो, झाग हो, सारा निकल जाए। और आप हल्के हल्के से देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है, ये पक रहा है। और जो घी है वो इस तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है, और जो हल्की सी मलाई होती है जल जाती है, वो नीचे बिल्कुल नीचे तले पे रह जाती है। और देखिए काफ़ी हद तक ये बन चुका है और ठंडा हो गया है। तो इसे कोई भी डब्बे में हम रख लेंगे डेली यूज़ के लिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल शुद्ध बन के घर ही में रेडी हुआ है। ये बाज़ार से भी अच्छा खुशबूदार बना है, दानेदार बना है। तो हमने ये सारा घी निकाल लिया है, आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत खुशबूदार बन के रेडी हुआ है। तो गाइस, ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Thanks for watching this video.